ऐसा कहना है कि इस बार भी आर के सिंह भोजपुर के सांसद बनेंगे और केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ही सत्ता में आएंगे। अब बात करते हैं कि युवा कार्यकर्ता है आदित्य कुमार आदि, उससे भी हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से सबसे छोटे लगते हैं कार्यकर्ताओं में। आइए हम इनसे जानते हैं किस प्रकार से आपको खुशी मिल रहा आज जो भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके का। पहले तो हम पहले बताना चाहेंगे कि हमें इसलिए खुशी हो रहा है कि हमारे सांसद ने हमारे भोजपुर जिला के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य किए कि हम बता नहीं सकते। अपने छोटे से युवक उम्र में इतने पहले, मतलब इतने लाइफ में इतना बड़ा सांसद, इतना अच्छा काम करने वाला कार्य हमने कभी अपने जिले में नहीं किया। और भी हम लोगों से बात करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप लोग अभी खुशी का माहौल में जिसमें मना रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि आज जब जीत पक्की हो जाती है, सामने निर्णय आ जाएगा, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? हम एक बात कहना चाहेंगे कि आज तक मैंने जब से देखा वो संभाला तो मैंने यही देखा कि बिहार के, खासकर मैं आरा की बात करता हूँ, यहाँ तो उस तरीके का विकास नहीं था। जब से हमारे आर के सिंह जी ने अपना कमान पकड़ा, देखिए आरा में सबसे पहला चीज़ पासपोर्ट के लिए हम लोग को दौड़ के पटना जाना पड़ता था, अब आरा में होता है वो काम। हमारा रेलवे ट्रैक देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, शिक्षा का स्तर देख सकते हैं। सबसे बड़ा किसान के लिए कोई नहीं सोचता था, उन्होंने नहर पक्कीकरण का काम कराया। आज हमें लगता है कि हमारा देश का कमान किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में है, जिसके वजह से हमें लगता है हम आगे जाएंगे। जैसा आपने इनका सुना, इन्होंने कहा युवाओं के लिए हो, जिले के लिए हो, स्टेट के लिए हो, बहुत कुछ काम किया, जो कि पासपोर्ट ऑफिस पहले पटना यहाँ के लोगों को जाना पड़ता था। कई समस्याएं ऐसी होती थी जिनके लिए लोगों को यहाँ पटना जाना पड़ता था, अब वो पटना नहीं जाना पड़ गया, आरा में ही पासपोर्ट ऑफिस खुल गया है। और अभी हम लोगों से जानना चाहेंगे कि इस चुनावी समर में बहुत से लोग कई तरीके की बातें बोले और गाली गलौज तक इस्तेमाल किया गया, लेकिन सत्ता में फिर भी एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बन रही है, ऐसे में हम सर क्या कहेंगे? जो हमारी ये बीजेपी की सरकार है वो एक सुशासन की सरकार है और इसमें हम सबका साथ और सबका विकास को लेकर नारा हम लोग चुनावी मैदान में उतरे थे और हम लोगों को जनता ने इस नारे को बहुत स्वीकार किया और आज ये पूरा देश चौकीदार को इतना चौकन्ना जानकर सारे चोरों को नाले में डाल दिया। और इसके साथ ही मैं इस पूरे भोजपुर जिले की तरफ से तमाम जनता को